देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये किस प्रकार की गति हो रही है? आप देखें, ये धागा एक कोन बना रहा है, एक द्रव्यमान एक धागे की सहायता से लटकाया हुआ है, और देखिए आप, ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, और जो इसका धागा है ये एक शंकु बना रहा है, यानी कि कोन बना रहा है। तो बेटा इस चीज को हम कहते हैं पेंडुलम, क्योंकि इसका धागा एक शंकु पे चल रहा है, इसलिए बोलते हैं इसे कैनोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आज इसी की स्टडी करनी है ना। इंटरेस्टिंग मोशन, ध्यान से देखिएगा, कोनिकल पेंडुलम की आप मोशन देखिए, इसका वेग कितना होगा, ये जिस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, रस्सी में तनाव कितना होगा, सारी बातें जानेंगे आज के इस लेक्चर में। तो जुड़े रहिए, देखते हैं अपने लोग बच्चों क्या देखना है कोनिकल पेंडुलम। तो देखिए बच्चों, जो अभी हम लोग देख रहे थे मोशन को, उसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है चित्र में। ये धागा है, धागे की लंबाई L है, यहां लिख दिया डोरी की लंबाई। अब मान लीजिए ये जो द्रव्यमान है ये R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, तो इस परिस्थिति में देखिए, इसे चलने के लिए इसका अगर मैं क्या बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखिए रस्सी में तनाव क्या आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां पर रस्सी का तनाव दिखा दिया। अब अगर हम देखें तो ये कोण और ये कोण, ये थीटा ही होगा भाई, आपके एकांतर कोण है, तो ये थीटा लिख दिया, रस्सी का तनाव इधर दिखा दिया, एम जी सीधे नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं कि भाई अगर ये इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो इसे एक क्या चाहिए बच्चों, इसे क्या चाहिए, ध्यान से सोचो, इसे चाहिए एक अभिकेंद्र बल। तो वो अभिकेंद्र बल कैसा मिलेगा वो भी देख लेते हैं। भाई इस तरीके से मूव कर रहा है, ऊर्ध्व में तो कोई गति नहीं है इस दिशा में, वाई एक्सिस की दिशा में तो कोई गति नहीं है, केवल क्षैतिज में कुछ इस तरीके से चल रहा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने इसका ये कंपोनेंट लिया बेटा, तो ये आएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट अगर लूं तो ये आएगा टीन साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखें, टी कॉस थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा होगा एम जी को, क्योंकि ऊर्ध्व में कोई गति नहीं है बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई एक्सिस, और टी साइन थीटा जो दे रहा होगा वो दे रहा होगा अभिकेंद्र बल, जो कि बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ये जो रेडियस है, देखिए ये जो रेडियस है ये क्या होगी आपकी, ये बराबर होगी एल साइन थीटा के। देखिए इस त्रिभुज में लगाइए साइन थीटा, आर अपॉन एल, साइन थीटा बराबर आएगा आर बटे एल, तो आर बराबर आ जाएगा एल साइन थीटा के, यहां से लिख दिया मैंने, तो एल साइन थीटा हो गया। इसे यहाँ पर टी साइन थीटा आएगा बेटा बस। तो हमने क्या करा, इसे लिख दिया मैंने समीकरण एक और समीकरण दो। तो हमने क्या करा, समीकरण दो बटे समीकरण एक, यानी कि भाग दे दिया। तो देखो टेन थीटा आएगा, और क्या आएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। मैं निकालना चाहता हूं जब कोई पिंड आपके ये वी वेग से इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसका वेग कितना होगा, वेग का परिमाण कितना होगा, वी बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। एक महत्वपूर्ण समीकरण है, शॉर्ट नोट्स में लिखना है बेटा इसे, अगर नीट और मेंस की तैयारी कर रहे हो शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखो। अब आर की वैल्यू कितनी है, एल साइन थीटा, तो ये भी लिख देंगे, तो ये आ जाएगा वी आर की वैल्यू एल साइन थीटा इंटू जी टेन थीटा, तो वी बराबर आ गया स्क्वायर रूट एल जी साइन थीटा टेन थीटा। आप देखें वी द्रव्यमान से मुक्त है, यानी कि वस्तु का वेग में द्रव्यमान का कुछ अंश नहीं है, यानी कि द्रव्यमान का कोई भी भाग नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। तो ये वेग जो है, आप अगर भारी पिंड लगाएं या हल्का पिंड लगाएं, निर्वात में काम कर रहे हैं वैक्यूम में काम कर रहे हैं, तो वेग आपका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है द्रव्यमान से। तो लिख लेते हैं
वी द्रव्यमान, एम से स्वतंत्र है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो इसका आवर्त काल भी तो होगा, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, तो वो आवर्त काल बराबर बेटा क्या होता है, टी बराबर होता है भाई कितनी दूरी चला ये एक चक्कर में, 2 पाई आर। 2 पाई आर, और कितनी चाल थी इसकी, वी। तो हमने भाई ये वाले समीकरण का लिया, तो 2 पाई आर को आर ही रहने दिया और यहां लिख दिया स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा, ये लिख दिया आर जी टेन थीटा। तो अगर हम देखें 2 पाई, अब देखिए आपका आर क्या लिखा जा सकता है, एल साइन थीटा, तो ये लिख देते हैं एल साइन थीटा, नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल जी साइन थीटा टेन थीटा। और हल कर लेते हैं बच्चों, देखो क्या देखने को मिलता है, तो टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, और क्या आ गया, और भी कुछ आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो देखो साइन थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया एल साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया, नीचे आपका हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा अगेन भाई क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और नीचे का टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर गुणा में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा यहां से, देखिए साइन थीटा से साइन थीटा गया तो आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी, ये इसका आवर्त काल हो गया, यानी कि इतने समय बाद ये अपने आप दोबारा पुनः इसी बिंदु ए पर आएगा, ठीक। तो एक और हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई, तो इसे बच्चों लिख लेना है, और इसके ऊपर कुछ आधारित प्रश्न देखते हैं अभी। पहले आप इसे नोट करो, फिर प्रश्नों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतनी सारी बातें समझ में आई, तो अब हम देखिए कुछ और आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, क्या है वो चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटी वीडियो है, पूरा अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चंस इसमें अभी नहीं करा रहा, क्वेश्चंस में कुछ और कंसेप्ट पढ़ाने के बाद कराऊंगा, तो आज के में इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बाय बाय।